अर्णब गोस्वामी ने कल अपने शो में पहली बार पूरी तरह बताया कि उनके घर में उस दिन क्या क्या हुआ था। कल मौका इसलिए भी था क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिटेल ऑर्डर पास किया उसमें साफ साफ बताया कि अर्णब पर कोई 306 का यानी कि आत्महत्या के नुकसान का केस ही नहीं बनता है और उनकी जो है जमानत तब तक जारी रहेगी जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट उस वाली याचिका पर अपना फैसला नहीं दे देती जिसमें अर्णब ने FIR रद्द करने की मांग कही है। कल अपने शो में अर्णब ने बताया कि कैसे जो है उन्हें सारी चीज़ों से क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए। उन्होंने कहा 100 पुलिस वाले जिनके हाथों में AK-47 स्टेन गन पिस्तौल थी वो लोग मेरे घर में घुसे, मुझे मारा पीटा, मुझे जूते तक नहीं पहनने दिए और मुझे खींच कर ले गए। अर्णब ने यह भी कहा कि वो गिरफ्तारी पूरी तरीके से गैरकानूनी थी, फिर भी मुझे अलीबाग जेल से लेकर तलोजा जेल तक, एक जेल से दूसरे जेल तक 8 दिनों तक 4,000 कैदियों के बीच में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि अर्णब गोस्वामी के खिलाफ धारा 306 के तहत कोई केस ही नहीं बनता। सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि कोई राज्य सरकार इस तरह से मनमानी नहीं कर सकती, तो बदले की नियत से काम करते हुए कानून के खिलवाड़ नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा जब कोई केस ही नहीं बनता तो भी एक दिन किसी को जेल में रखना गलत है, किसी भी नागरिक को प्रताड़ित करना गलत है। तो अब जो है अर्णब ने बताया कि कैसे 100 पुलिस वाले उनके घर आए थे, उनके हाथ में AK-47 थी। तो इस तरह का खुलासा जो है अर्णब ने किया। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र की जीत है और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने मुझे रिहा किया और जो उनका ऑर्डर है ये यही बात बताता है कि मैंने कोई भी जो है अपराध नहीं किया था, मैं निर्दोष था और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगी। लेकिन कल जो है शो में एक बार फिर से उन्होंने उस दिन को याद किया और बताया कि कैसे घसीट के ले गए 100 पुलिस वाले थे, हाथ में जो है AK-47 और स्टैन गन थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसे लेने आए थे जैसे कि मैं कोई आतंकवादी हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें जो है आज भी याद आती हैं तो मैं परेशान। हालांकि उन्होंने पहले भी ये कहा था कि जब भी मुझे ये सारी चीज़ें मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं ये बार बार कहना चाहूँगा कि मैं इन सारी चीज़ों से टूटा नहीं हूँ।